मोदी की चालें कमाल की होती हैं, उन्हें चौंकाना भी आता है और विरोधियों को धर्म संकट में डालना भी। और इसी तर्ज पर राष्ट्रपति पद के लिए कोविंद का नाम आगे करके मोदी ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चला है जिसके सामने विपक्षी भी अब बेबस महसूस कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं मोदी के वो तीन गुप्त कार्ड जिनसे कोविंद की उम्मीदवारी विपक्षियों के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह खतरनाक हो गई है। मोदी का पहला कार्ड, बिहार कार्ड। कोविंद फिलहाल बिहार के राज्यपाल हैं और राज्यपाल भवन में रहते हैं, तो जाहिर तौर पर बिहारी नेताओं को उनके विरोध के बारे में खूब सोचना पड़ेगा। कोविंद को बतौर राज्यपाल बिहार में खूब पसंद किया जाता है और कोविंद ने भी बीच बीच में बिहार को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जिससे बिहार के राजनेताओं में उनकी स्वीकार्यता और बढ़ी है। मोदी का दूसरा कार्ड, दलित कार्ड। कोविंद एक दलित चेहरा है, वो यूपी के कोली समुदाय से आते हैं। दलित और यूपी का वोट बैंक एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो 2019 के लोकसभा चुनावों में बड़ा अहम रोल निभाने वाला है। दलित के मुद्दे पर विपक्षियों का कोविंद के लिए विरोध दर्ज कराना थोड़ा मुश्किल भी होगा। मोदी का तीसरा कार्ड, पढ़े लिखे हैं कोविंद और ब्यूरोक्रेसी की है अच्छी समझ। कोविंद काफी पढ़े लिखे हैं, वकील हैं और सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास कर चुके हैं। कोविंद ने राजनीति को काफी लंबे समय तक करीब से देखा है। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी भी बनाया था, लिहाजा उन्हें काफी लंबे वक्त से ब्यूरोक्रेसी और राजनीति दोनों के कॉम्बिनेशन को देखने और समझने की आदत है। कोविंद अब दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से महज एक कदम दूर हैं। विपक्षियों के पास उनका मुकाबला करने के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं और इतिहास में शायद दूसरी बार ऐसा होगा जब कोविंद शायद बिना कोई चुनाव लड़े इस पद पर काबिज हो जाएं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।